डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज हम इस वीडियो में सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन में डिफरेंस समझेंगे। सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, और कोलाइड होमोजीनियस या हेटरोजीनियस मिक्सचर होता है, लेकिन सस्पेंशन सिर्फ हेटरोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन में मौजूद सॉल्यूट के पार्टिकल्स की साइज 1 नैनोमीटर से कम होती है, जबकि कोलाइड पार्टिकल्स की साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक होती है, जबकि सस्पेंशन के पार्टिकल्स से 1000 नैनोमीटर से बड़े होते हैं। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स और कोलाइड के पार्टिकल्स ईजिली सेपरेट अलग अलग नहीं कर सकते, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल्स ईजिली अलग अलग हो जाते हैं। सॉल्यूशन और कोलाइड के पार्टिकल्स फिल्टर पेपर से ईजिली पास हो जाते हैं, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल्स से बड़े होते हैं, जिसकी वजह से पास नहीं होते फिल्टर पेपर से। कोलाइड और सस्पेंशन दोनों टेंडल इफेक्ट को फॉलो करते हैं, जबकि लाइट सॉल्यूट के पार्टिकल्स से टकराती है तो उसको टेंडल इफेक्ट कहते हैं, लेकिन सॉल्यूशन टेंडल इफेक्ट को फॉलो नहीं करता। सॉल्यूशन की एग्जांपल है जैसे शुगर या साल्ट डिसॉल्व कर लें वाटर में। कोलाइड का एग्जांपल है जैसे फॉग, जेली, मिल्क वगैरह। सस्पेंशन की एग्जांपल है जैसे चाक या सैंड, रेत पानी में डिसॉल्व कर दें। तो ये था थोड़ा सा डिफरेंस सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड में।